The Panther Party protested against the state government in Jammu today. According to the party, the government is not deporting Rohingya Muslims and Bangladeshi from Jammu despite public resentment. Over 40,000 Rohingya Muslims live in India as refugees, thousands of them in Jammu and Kashmir. According to Panther Party Chairman Harshdev Singh, the Rohingyas and Bangladeshi should be expelled from Jammu and Kashmir as they are a big threat to the people of Jammu. Intelligence officials says Rohingya refugee camp in Jammu and Kashmir can become the hunting ground for LET, Hizbul Mujahideen and Jaish-e-Mohammed. और एक बहुत बड़ा खतरा जो है जम्मू के लोगों के सिरों के ऊपर मंडरा रहा है इन रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज की यहां रहने की वजह से क्योंकि यह साबित हो चुका है कि इन लोगों के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कनेक्शन है दुख्तराने मिल्लत की चीफ ने इनके हक में बयान दिए जैश ए मोहम्मद ने इनके हक में बयान दिए और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनके लिंक भी बताए जाना जो है एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी जो है वो जहां जम्मू के लिए है और भारतीय जनता पार्टी इस इशू के ऊपर भी पीडीपी के समक्ष पूरे तरीके से आत्मसमर्पण किए हुए हैं ये यहां के लोग किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है आपको जवाब देना होगा हिसाब देना होगा और जल्द से जल्द रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को यहां से एलिमिनेट करना होगा